डॉक्टर शिवाना हनुमान सिंह आपके सामने इस्लामी फारिस के हाजिर हुए हैं दौरा कुरान के सिलसिले में 12 नंबर 4 लन तनालु और सूरह नंबर 3 आले इमरान का 13वां रुकू तिलावत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि अल्लाह तबरक तआला ने अल्लाह तबरक तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमारे लिए इसमें क्या पैगाम भेजा है। بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ومقاعد للقتال और याद करो ए महबूब जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चे पर कायम करते वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनता जानता है। इज हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाए वल्लाहु वलीयुहुमा और अल्लाह उनका संभालने वाला है वअलल्लाह फल्यतवक्कल मोमिनून और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्लतुन फतक़ुल्लाहा लअल्लकुम तश्कुरून और बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे अल्लाह से डरो कहीं तुम शुक्रगुजार हो। इस तकूलु लिल मोमिनीना अय्यफियहुम अय्युमिद्दकुम रब्बकुम बिसलासते आलाफ मिन मलाइकति मुनज़ली जब ए महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारे रब तुम्हारी मदद करें और 3000 फरिश्ता उतार कर बला इन तस्बिरु व तत्तकु व यातुकुम मिन फौरिहिम व हाजा युमदिकुम रब्बुकुम बे खमसतिल अफि मिन मलाइकति मुसव्विमीन हाँ क्यों नहीं अगर तुम सब्र तक्वा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5000 फरिश्ते निशान वाले भेजेगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसीर व मा जअलहु लहु इल्ला बुशरा लहुम व लिततमईना कुलूबुकुम बिही और ये पता अल्लाह ने ना कि मगर तुम्हारी खुशी के लिए और ऐसे नहीं कि उससे तुम्हारे दिलों को चैन मिले व मन नसरो इल्ला मिन अल्लाह अल अजीज अल हकीम और मदद नहीं मगर गालिब हिकमत अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास है। ले यक्ता तरफ मिन अल्लज़ीन कफरु औ यक्बतुम फयनक़लिबु ख़ाइबीन इसलिए कि काफिरों का एक हिस्सा काट दे या उन्हें जलील करे कि ना मुराद फिर जाने नहीं सलक मिन अम्रि शायउन औ यदुबु अलैहिम औ युअज़्ज़िबुहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून और ये बात तुम्हारे हाथ नहीं या उन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अज़ाब करे कि वह ज़ालिम है वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है या फिर यशा जिसे चाहे बख्शे वयुअज़्ज़िबु मन यशा और जिसे चाहे अज़ाब करे वल्लाहु गफूरुर रहीम और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब हम चौथे पारा अल्लाह तआला का और सूरह आल इमरान के 13वें रुकू का तफसीर देखेंगे। पिछले 12वें रुकू का थोड़ा समझ गया था तो उसे हम दोहराने की कोशिश करेंगे कि बैर उनकी बातों से छलक उठा था जंगे बदर हो चुका था और जंगे वहद की बारी थी और उसके बाद से यहूद और नसारा जो मुनाफिकैन थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन हक की तरफ रागिब नहीं हो रहे थे बल्कि जो इनके दीन हक की तरफ रागिब हुआ था जो ईमान ले आया था उन सहाबा कराम अलैहिम रिजवान को बहुत बेजा जुल्म कर रहे थे और उसके बाद से तब मजबूरन ये जंग हुक्म रबी के तहत तय पाई थी। तो जंग बदर में जो मुनाफिकैन थे जो मुखालिफैन थे उनकी बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई थी और जंग उहद की बारी आ गई थी उन लोगों ने एक मनसूबा बना रखा था मुनाफिकैन ने कि हम इनके
लश्कर में शामिल हो गए और बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, भगदड़ मच जाएंगे, इस तरीके से ही हार जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकिमुल हाकिमीन है, अल्लाह के महबूब हैं और उन्हें इन सब की खबर थी, लेकिन सहाबा करम अलैहिम रिजवान और बोलते हैं कि आशनान गुलामैन मुतकदीम होते हैं, जो होते हैं उनके दिलों में जरूरत नहीं होती, उनका दिल बच्चों की तरह होता है। तो कुछ मुनाफिकैन षड्यंत्र के तहत चाहे कि मतलब इसमें शामिल हो जाए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि उनसे दूर रहो, उनकी बातों में बेजारी झलकती है और जो सीने में छुपा है और बड़ा है, हमने निशानियां तुम्हें खोल कर सुना दी हैं, अगर तुम्हें आप लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमानों से कह रहे हैं कि हमने निशानियां तुम्हें बता दी हैं कि मुनकर के काफिर के मुशरिक की निशानियां क्या होती हैं, तुम्हें आप लोगों को खुद समझ लो, सुनते हो ये जो तुम हो तो तुम उन्हें चाहते हो और वह तुम्हें नहीं चाहते, ये हाल ये कि तुम सब किताबों पर ईमान लाते हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है अपने उम्मतियों के लिए कि तमाम नबी जो जितने भी अंबिया आदम से लेके ईसा तक आए और जितने भी औलिया अशफिया किए हैं, तमाम लोगों की तज़ीम करनी चाहिए, उनकी किताबों पर यकीन और ईमान रखना चाहिए और उन्होंने अपने उम्मतियों को ये कार्य तरकीब दी थी। और उसके बाद से तो कह रहे हैं कि तुम उन्हें चाहते हो दिल से मगर वो तुम्हें नहीं चाहते, तुम इंसानियत मोहब्बत मरोगे तो खुद मसावात का सबक लेके चलते हो, इसीलिए इंसानियत से मोहब्बत करते हो लेकिन वो तुम्हें नहीं चाहते, ये हाल ये कि तुम सब किताबों पर ईमान लाते हो और वो कलाम पाक पे ईमान न ले आते हैं ना हमारे ऊपर ईमान ले आते हैं, और वो जब तुमसे मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए और अकेले हो तो तुम पर उंगलियां चबाए गुस्से से और तुम फरमा दो कि मर जाओ अपनी घुटन में, अल्लाह खूब जानता है दिलों की बात, तुम्हें कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरा लगता है और तुम्हें कोई बुराई पहुंचे तो खुश हो जाते हैं, और अगर तुम सब्र परहेजगारी किए रहो तो उनका दाव और तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, कितना भी वो दाव खेलेंगे अगर तुम तकवा और परहेजगारी का दामन थामे रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेशक उनके सब काम खुदा के घेरे में है, अल्लाह अपने नजरों के हाथों में उन्हें मुहित रखता है, और याद करो ए महबूब जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चे पे कायम किए, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहद का इरादा किया तो उसके बाद से कुछ लोगों ने उन्हें मशवरा दिया और मशवरा देने वालों में उबैदुल्लाह इब्ने अबी बिन अबी सुलोल भी शामिल था, उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कई लोगों ने उन्हें राय दिया कि हम मदीना से बाहर नहीं जाएंगे, मुनाफिकैन जब यहाँ आएंगे जो काफिर हैं यहाँ आएंगे तो उनसे जंग होगी, और उसके बाद से कुछ लोगों ने फिर इसरार किया कि नहीं हम मदीने से बाहर जाके उनसे जंग लड़ेंगे, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह बारहा कहता रहा कि इनसे इनको राय मशवरा ना दो बल्कि ये जो हुक्म देते हैं इनकी हुक्म अधूरी ना करो, इनकी हुक्म को मानोगे तो कामयाबी और कामरानी रहेगी, ये लोग ये भूल चुके थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दे रहे थे और इन्हें मदीने से बाहर जाके लड़ने पे इसरार करने लगे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बातें सुनते सुनते खड़े हुए और हुजरे मुबारक में गए, हुजरे मुबारक से निकले तो जरा बख्तर पहने हुए थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जब जरा बख्तर पहन के निकले तो उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब यही बाकी है कि मैं तुम लोगों की बात मानो, जब लोगों को उनके चेहरे से ये बात आयाम हो गई, लोग समझ गए कि इन्हें नागवार गुजरा है, तो उन लोगों ने कहा कि सल्लल्लाहु जैसा कहें और आप जरा बख्तर उतार दें, उन्होंने कहा क्या एक नबी को ये जेब देता है कि वो जरा बख्तर पहन के और फिर उतारते बिना जंग किए, तो इस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा से बाहर निकले और काफिरैन वहां पहुंचे और उसके बाद से जंग का मंसूबा जारी हो गया, जंग होने से पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबैदुल्लाह को और उसके बाद से उसके 300 ऐसे साथी थे जो मुनाफिकैन में से थे, उसने कहा कि हमारे साथ जंग लड़ेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा चुके थे कि मतलब ये वफादार नहीं है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को काटते हुए 300 लोगों को उसने अपने साथ ले लिया था अल्लाह पर, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वो बर्बाद हो गया था, गुस्सा हो गया था, दिल में बोझ रख लिया था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग-ए-उहद
के मुकाम पे पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे जहां पे जंग वहद होना था, तो कुछ सहाबे किराम को इकट्ठे किया उन्होंने और उसके बाद से उन्होंने कहा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ 40 तीरंदाजों के साथ उन्हें पिछले हिस्से पे तैनात कर दिया और कहा कुछ भी हो जाए, जंग का नतीजा कुछ भी हार हो या जीत हो, लेकिन तुम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना, अपना मोर्चा मत छोड़ना। तो इस तरीके से अब्दुल्लाह बिन जुबैर 40 लोगों के साथ अपने तीरंदाजों के साथ अपने अपने मुकाम पे मोर्चा लेके खड़े हो गए अल्लाह को। और याद करो ऐ महबूब, और याद करो ऐ महबूब, जब तुम सुबह को अपने दौलत खाने से बरामद हुए, मुसलमानों को लड़ाई के मोर्चे पे कायम करते थे, यानी 40 तीरंदाजों के साथ मोर्चे पे उन्होंने कुछ लोगों को कायम कर दिया और कहा कि अल्लाह बेशक सुनता और जानता है। जब तुम में के दो ग्रोहों का इरादा कि नामर्दी कर जाए अल्लाह को अगर अल्लाह को अगर, और जब जंग जारी हो गई तो उसके बाद से वो तो बरहम था ही, उबैदुल्लाह बिन अबी नाराज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके दिल में बहुत उभर आया और 300 मुनाफिकैन के साथ गया था, रसूल की बात उसने नहीं मानी। और उसके बाद से बीचों बीच जब जंग जारी हुआ, जब कताल जारी हो गया था, तो उसमें बदर मच गया, ये 300 लोग जो थे 1000 की तादाद में थे, ये जो 300 लोग थे वो भाग चले और उसके साथ उबैदुल्लाह बिन अबी भी भाग चला। तो इन लोगों को भागते हुए फौज में भगदड़ मच गई और किसी ने उसमें शोर मचा दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौज़ल्ला का जिक्र किए गए। ये सुन के कुछ वफादार भी ऐसे थे, कुछ ऐसे मुसलमान भी थे जो मुतशाबहात में आ गए कि रुके कि भागे, रुके कि भागे। तो एक ग्रोह तो भाग ही गया था और एक ग्रोह मुतशाबहात में आ गया और मुनाफिकों ने उसका फायदा उठा लिया। अल्लाह को कर और फायदा उठाते हुए जब देखा कि हुजरे मुबारक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अपने खैमे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, फौज में भगदड़ मच चुकी है, 350 भाग चुके हैं और 300 हिजरत में आ गए हैं, अल्लाह को कर। तो उन लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला पाके अबू सुफियान जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा दोस्त था, उसने उन पे हमला करने की कोशिश की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नादे अली कहते, मौला अली मुश्किल कुशा को उन्होंने पुकारा, नादे अली पुकारना अली यानी मौला अली मुश्किल कुशा का नाम था, उन्होंने नादे अली जैसे ही पुकारा तो मौला अली मुश्किल कुशा तुरंत वहां हाजिर हुए, एकदम हवा की मानिंद हाजिर हुए, अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की कसीरा। और अली शेर खुदा जैसे हाजिर हुए तो मुनाफिक जो कुल्ले कुफर था, यानी उस जंग का जो सिपहसालार सुफियान था, उसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुल्ले कुफर है, कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान खड़ा है, यानी मौला अली मुश्किल कुशा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे कहा था कि ये कुल्ले ईमान है और अबू सुफियान को कहा था कि कुल्ले कुफर, कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान आया है। इतना सुनना था कि सुफियान के कदम उखड़ गए, अल्लाह अकबर। और जब उसे पीछे भागते हुए देखा उस भगदड़ में बहुत सारे ऐसे मुनाफिकैन थे जो यहाँ से भागे थे उबैदुल्लाह के साथ, उबैदुल्लाह इब्ने अबी के साथ जो 300 लोग भागे हुए, 350 कहीं आता हूँ कि ये लोग जो भागे हुए थे और जो उसके साथी थे, भगदड़ में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, कत्ल हो गए और इस तरीके से उनमें अफरा तफरी का आलम मच गया। और जब ये बात उन लोगों के कानों तक पहुंची कि नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही और सालिम है और अली मौला मुश्किल कुशा उनके पास है, तो उसके बाद से जो तजबजब में थे यानी वो तशाबहा तो शक के बिना पे थे, ठहरे कि चले जाएं कि रसूलुल्लाह को कत्ल कर दिए गए हैं, उनके भी कदम ठहर गए और ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। इनके चेहरों से निदामत साफ झलक रहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा तो उन्हें गैर कैद में था, समझ गए कि ये क्या। और उसके बाद से उसी का जिक्र है कि जब तुम्हें के दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर जाए, दो ग्रोह नामर्द वो थे, एक तो शक व शुबह में आ गया कि रसूलुल्लाह का जिक्र दिए गए तो हम ठहरे के भाग, और एक ग्रोह वो था जो बीच में ही छोड़ के उबैदुल्लाह के साथ जो मुनाफिकैन आए थे बीच में ही छोड़ के भाग।
और अल्लाह उनका संभालने वाला है, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उन लोगों से कहा कि तुम्हें अल्लाह पे ही भरोसा रखना चाहिए, बेशक अल्लाह ने बदर में तुम्हारी मदद की जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, यानी एक तरफ 1,000 थे जंगे बदर में, एक तरफ 72 थे और असलहे भी कम थे, सराबत्तर भी कम थे, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब की मदद की। और उसके बाद से हक परस्तों की मदद हम हमेशा करता है, हक परस्तों की हर हाल में जीत होती है। तो उसके बाद से अल्लाह ने मदद की, तो अल्लाह से डरो, कहीं तुम शुक्र गुजार हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जंगे बदर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान आया है, अल्लाह अकबर, वहीं पे मौला अली मुशरिकुशा को आमीन शाकिरीन का लकब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। और अबू बकर और भी बहुत सारे सहाबा किराम रिजवान थे जिन्होंने वहां पे कबूल किया कि अली आमीन शाकिरीन है अल्लाह अकबर, और कुल्ले ईमान भी है और इनकी तायीद जरूरी है। और इस मुकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि अगर तुम्हारा सरदार ना रहे, तुम्हारा अंबिया अगर कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाए या पर्दे में चला जाए, उसके बावजूद भी जो इत्तबा करने वाले लोग होते हैं, यानी उनके जो उम्मती होते हैं, उन पे कुछ फराइज लाजिम होते हैं, उन्हें जंग छोड़ के नहीं जाना चाहिए बल्कि उस पर साबित कदम रहना चाहिए, या तो जीत कर जाना चाहिए या तो शहीद हो जाना चाहिए। अहलुल्लाह की यही निशानियां होती हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतशाबिहात वालों को भी समझाया और उस पर जो साबित कदम थे उनको भी समझाया। वहां पे रसूलुल्लाह जिन्होंने 40 तीर अंदाजों को पीछे की तरफ तैनात किया हुआ था अल्लाह अकबर, तो अपने सहाबों के जो सहाबे किराम थे अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ उनके 12 साथी वहां पे कायम और दायम रहे और कुछ लोग उनमें से शहीद भी हो गए अल्लाह को, लेकिन अपनी जगह को नहीं छोड़े। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो लालच में आ गए और वहां पे कुछ औरतें जेवरात पहन के, और ये तो शरीयत था मुखालिफैन का, जेवरात पहन के उन्हें लालच दे दिया और जेवरों के लालच में, और उसके बाद से मालूम लूटने की लालच में भी वहां से बिखर गए। इसलिए कहा जाता है कि दो लालच बहुत बुरी होती है, एक सिक्के की और एक चूड़ी होती है, और दो चीजों से हमेशा मर्द मुजाहिद दूर रहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते, औरत किसे कहते हैं, आदमी किसे कहते हैं, छक्का किसे कहते हैं। मौलाना रोम जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया था कि तालिबुल दुनिया दुनिया का तलब करने वाला औरत है, और जन्नत दोजख के सिलसिले में रहने वाला मुखन्नस है। और उसके बाद उसे कहा कि तालिबुल मौला जो होता है वो हक होता है और वही मर्द होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब यहाँ इस आयत में अल्लाह ने बताने की कोशिश की है कि जंग बदर में मैंने तुम्हारी हर तरीके से मदद की, जबकि तुम लश्करों में भी कम थे, मगर मेरा शब्द शुक्र कर रहे थे, इसलिए हमने तुम्हारी और तुम्हारे उम्मत की मदद की। और कहा फरमाता है कि जब ऐ महबूब तुम मुसलमानों से फरमाते थे कि क्या कभी ये काफी नहीं कि तुम्हारे रब तुम्हारी मदद करे, 3,000 फरिश्ते उतारते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई किसी जंग पे जाता है तो उसका जो सरदार होता है, जो सरदार होता है, जो मौला होता है, जो इमाम होता है, उसे हर तरीके से अपने अल्फाजों से मुतमईन करने की कोशिश करता है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुसलमानों को ये बात समझा रहे थे कि तुम साबित कदम रखना, किसी भी हालत में अपने कदमों को डगमगाना नहीं, क्योंकि अल्लाह वालों के साथ अल्लाह खुद होता है और अपने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने उम्मतियों से कह रहे थे कि 3,000 फरिश्तों के साथ अल्लाह मदद करेगा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम सब्र तक्वा करो और काफिर उसी दम तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को 5,000 फरिश्तों से मदद फरमाए आएगा, और वो भी निशान वाले जो अलम लिए खड़े होंगे अल्लाह अकबर अल्लाह। और ये फतह अल्लाह ने ना की मगर तुम्हारी खुशी के लिए, और इसी नेकी से तुम्हारे दिलों को चैन मिले, और मदद नहीं मगर अल्लाह गालिब हिकमत वाले के पास, इसलिए कि काफिरों का एक ही सरकार दे या उन्हें जलील करे कि ना मुराद फिर जाएं अल्लाह अकबर अल्लाह। जो लोग भाग गए थे भगदड़ में
जब सुफियान की फौज भागना शुरू की, मौलाना मुस्लिम के साथ के मुकाबले में जब खड़ा हुआ था सुफियान, कुल्ले कुफर कुल्ले ईमान के मुकाबले में खड़ा हुआ, तो भगदड़ मच गई अल्लाह अकबर। और उस भागने में कुछ लोग रास्ते में जो भागे हुए थे वो कुछ रास्ते में कत्ल हो गए और उसके बाद से कुछ जख्मी हो गए, यानी सही हालात सही वाले नहीं थे। ये बात तो हमारे हाथ नहीं, या उन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब करे कि वह जालिम है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो हक जान के भी उसे मुंह मोड़ लेते हैं वही काफिर होते हैं और वो जालिम होते हैं। और अल्लाह ही का फैसला है कि वह जो कुछ जमीन आसमान में है वो सब अल्लाह के ताबे हो, जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे अजाब में मुब्तला कर दे, अल्लाह बेशक बख्शने वाला है। तो इस रुकू से हमने ये जानने की कोशिश की कि जब हम संगत तक्वा अख्तियार कर लेते हैं, सब्र अख्तियार कर लेते हैं, चाहे हमें अता फरमा देता है जतन पाक की तरफ से, हमें ज्यादा तक्वा अता हो जाता है, तो हमें सब्र शुक्र करना चाहिए। और सब्र शुक्र करने वाले की हमेशा जीत होती है हर हाल में, अगर वो शहीद भी हो गया तो भी वो राहे मत राहे भी सभी अल्लाह में कबूल कर लिया जाता है, और अगर बचा तो उसकी जीत भी हो जाती है। इसीलिए हमेशा अकीदा अपने हक पे रखना चाहिए, हक के रास्ते को अख्तियार करना चाहिए, शक शुबहात में नहीं रहना चाहिए, और अपने इमाम के बाद पे साबित कदम रखना रहना चाहिए और उसके हुक्म की अगुवाई नहीं करना चाहिए। इस रुकु से हमने ये जाना, उमा लेना इला इल्ला या वारिस अल्लाह वारिस हक वारिस मौला वारिस हुसैन वारिस, पंजतन का सदका हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए।